सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, हमने आपको पहले ही सूचित किया था भाई, जहर मुक्त खेती ये हमारे पार्ट वन से लेकर और लास्ट तक चलेंगे, जितने भी पार्ट बनेंगे आपको हर पार्ट में एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से एक बात रिक्वेस्ट करके कहूँगा भाई, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखेंगे तो पूरी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि एक एक वीडियो बनाते समय हमारी काफ़ी एनर्जी आउट होती है, उसमें हम बहुत ही बारीकियों से हर चीज़ को रिसर्च करके तब आपके सामने वीडियो लेकर आने लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो अभी हम एक सीरीज चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेरे किसान मित्र कह रहे थे, बोले कटारिया साहब अब दूसरी लाइन में चले गए आप, अब हमारे को भी नई नई नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम तो आपकी गाइडलाइन से जैविक खेती शुरुआत की थी, तो आप जैविक खेती पे एक बार आप दोबारा उस पर प्रकाश डालो। तो भाई अभी हमने जो 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है हमारा, उसके अनुसार आपसे वीडियो शेयर जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट आता है भाई, वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, कैसे ये बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई सभी किसानों से अनुरोध करूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब, जो नए किसान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो भी वेस्ट डिकम्पोजर एक सूक्ष्म जीव, जो भी हमको नंगी आंखों से दिखाई जो नहीं देते, वो सूक्ष्म जीवों का एक भंडार है, और ये गऊ के गोबर से बना हुआ एक लिक्विड है, इसको हम लिक्विड फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो इसको काफी रिसर्च के बाद इसको तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद ये किसानों के सामने इसको पेश किया जाता है। तो जिस किसान के पास ऑलरेडी पहले से है, या तो उस किसान से आप एक बोतल ले सकते हैं, या भाई आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बात करते हैं भाई, ये किस किस पर्पज पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका काम होता है विघटन क्रिया को बढ़ाना। किसी भी चीज को अगर हम, जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अगर हम माइक्रोन्यूट्रेंट बनाते हैं तो माइक्रोन्यूट्रेंट को जल्दी बना देता है। अगर आपको एक देसी भाषा में बताऊं, जो हमारा गोबर का जो खाद होता है, कई जगह काउडक भी बोलते हैं, तो वो होता है, तो उसमें क्या होता है, जब तक हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे भाई, एक चौमासा यानी कि एक बरसात का सीजन उसके ऊपर के ना गुजरे जब तक वो खाद तैयार नहीं होगा, यानी उस खाद तैयार होने में उसको लगभग साल भर लग जाता था। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर जिस दिन से भी आया है, उसने जितना उसको आप ज्यादा यूज करोगे, उतना ही वो जल्दी आपके खाद को तैयार कर देता है आपके यूज करने के लिए। तो भाई पॉइंट था भाई, इसको विघटन क्रिया यानी कि हर चीज में मदद करना, इसको हर चीज में मदद करता है आपके उसको रेडी करने में। दूसरा क्या होता है, इसको आप किसी भी सब्जी की खेती हो, चाहे भाई आपकी परंपरागत खेती हो या भाई आपकी बागवानी हो, हर खेती में इसका बेज जग होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग हैं। पहला तरीका मैं आपको बताऊं तो आप पानी के साथ इसको चला सकते हैं। एक एकड़ की बात करूं तो एवरेज लगभग 1000 लीटर पर पानी के हिसाब से, जैसे परंपरागत खेती में 4 से 5 पानी आते हैं, तो हर पानी में आप 1000 लीटर चला सकते हैं। सब्जी वर्गीय खेती में ज्यादा पानी आते हैं तो उसमें आप लगभग 400 से 500 लीटर पर पानी चला सकते हैं। बागवानी में भी आप 1000 लीटर पर एकड़ चला सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई, इसका जो यूज होता है, हम स्प्रे में भी कर सकते हैं। स्प्रे में हम कैसे करेंगे, अगर कोई भी एक किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान गलती कर बैठते हैं तो वीडियो में हमारी जानकारी अधूरी रह जाती है, क्योंकि किसान एक प्रेशर डालते हैं छोटी वीडियो बना करो, लेकिन छोटी वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो पूरी जानकारी के लंबी वीडियो अवश्य बनेगी। तो इसका जब आपकी छोटी फसल हो कोई भी, जैसे आप किसी चीज की नर्सरी तैयार करते हैं, जब भी आप नर्सरी में इसका स्प्रे करें तो 5 से 10% इसका स्प्रे करें। अगर आपकी मान लीजिए 15-16 लीटर की जो टंकी है, उसमें आप लगभग 1 से 1.5 लीटर ही
डाल के बाकी पानी मिला के स्प्रे करे। बात आती है भाई, उसके बाद आपकी परंपरागत खेती है कोई भी, उसमें आप एक महीने की जो फसल है उस से कम अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो एवरेज जो होती है इसकी भाई 15 से 20%। अगर आप एक महीने से अबो की स्प्रे करते हैं तो आप इसे 20 से 30%, 40%, 50% तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह बागवानी में है, बागवानी छोटा पौधा है तो उसमें स्प्रे का जो रेशो होता है 15 से 20%, अगर बड़ी फसल है तो आप 50% तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है भाई इसको हम और ये हमारे लिए क्या क्या सहायक होगा, तो ये सहायक होता है जैसे हम मैंने बताया था भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं उसको जल्दी बना देता है। जैसे हमने खाद तैयार जल्दी करना हो तो उसमें आप गोबर का ढेर लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचा बना लें और उसमें वेस्टिंग वाला छिड़काव करेंगे तो वो आपका लगभग आप हफ्ते में एक बार उसका कटाई कर देंगे अच्छी तरह छिड़काव करके, तो आपका वो लगभग 20 से 25 दिन में रेडी हो सकता है। इसके बाद बात आती है भाई जो हम कीटनाशक बनाते हैं तो कीटनाशक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जब भी हम इसकी किसी भी फसल में स्प्रे करते हैं तो ये न्यूट्रेंट की कमी को तो दूर करता ही करता है, साथ के साथ आपकी जमीन को उपजाऊ बनाता है और साथ के साथ ये कीटनाशक का भी काम करता है और साथ के साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है। यानी कि एक वेस्ट डिकम्पोजर किसान के लिए बहुत ही जरूरी है, हर किसान के पास वेस्ट डिकम्पोजर जरूर होना चाहिए। चाहे वो मान लीजिए कोई 10 एकड़ का किसान है, अगर वो सभी अपने खेत में वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल नहीं करता है तो कम से कम 1 एकड़ से या 2 एकड़ से शुरुआत जरूर करे, जैविक खेती तरफ जरूर आए, क्योंकि रासायनिक खातों से हमारी जमीन दिन प्रतिदिन बंजर होती जा रही है। तो अगर वो जैविक की 1 एकड़ से या 2 एकड़ से शुरुआत करेगा तो धीरे धीरे करके वो अपने 8 से 10 एकड़ में जैविक पत्ती पर ला सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से अगली वीडियो में आपसे जरूर शेयर कर देंगे। आपका भी किसी भी तरह की कोई पर्पज हो भी किसी मैटर पर वीडियो बनाएं तो उस पर बनाएंगे, लेकिन अभी हमारी सीरीज चलेगी। अगली जो हम बात करेंगे भाई उसमें सरसों की खड़ी का हम कैसे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसका कैसे यूज कर सकते हैं भाई, उसके बाद भाई सुडोमोनास का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा तरह तरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, जैविक कीटनाशक की बात करेंगे। तो इस तरह से हमारी सीरीज चलेगी, तो हर सीरीज ना हर बात को आप अच्छी ध्यानपूर्वक देखें और देखने बाद लाइक जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।